नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम लोग इरिडा नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इरिडा एक फाइनेंस कंपनी है और वो भी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी फाइनेंस का काम करते हैं। और इस कंपनी हाल ही में लिस्टिंग होने के बाद ही कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया सारे इन्वेस्टर को। और अभी फिलहाल के लिए कंपनी टॉप लेवल में ही है, थोड़ा सा करेक्शन का माहौल दिखा था, अभी फिर से एक अपॉर्चुनिटी बनने जा रहा है। इस अपॉर्चुनिटी बनने के बाद जरूर मैं इस कंपनी के ऊपर फिर से एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो वो कहाँ पे एंट्री मेरा बनेगा उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, किस बेसिस में मैं एंट्री लूँगा वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्वार्टरली जो रिजल्ट है कंपनी फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी का पिछले बार जो सेल्स था, पिछले साल में जो सेल्स था उससे कई गुना ज़्यादा इस बार सेल्स मतलब रेवेन्यू बढ़ चुके हैं। सेल्स नहीं होगा, रेवेन्यूज होगा, क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी है, यहाँ पे सेल्स नहीं होता है तो यहाँ पे रेवेन्यूज होते हैं। तो रेवेन्यूज अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और इंटरेस्ट कंपनी पेमेंट किया, क्योंकि कंपनी कर्जा भी लिया था, अच्छा खासा कर्जा लिया जिसके चलते इंटरेस्ट पे पेमेंट किए। और एक्सपेंस कंपनी 104 करोड़ पिछले सालों में एक्सपेंस किया था, इस बार सिर्फ 56 करोड़ का एक्सपेंस किया, मतलब बहुत हद तक कंपनी एक्सपेंस को कम किया। देखिए आप सेल्स कितना भी कम करें, अगर आपके एक्सपेंस कई गुना ज़्यादा कम हो जाए तो आपका प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। अगर आप सेल्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उसके साथ साथ एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर यही चीज़ों को देखते हुए कंपनी इस बार 254 करोड़ से डायरेक्टली 337 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। अभी पिछले क्वार्टर्स में भी 336 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। तो बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है। शायद शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कुछ ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कुछ क्वांटिटी को सेल अप कर दिया, और FIIs ने क्या किया, कुछ क्वांटिटी को सेल अप किया। आप कहेंगे सर इंस्टीट्यूशन कहाँ से ट्रस्ट कर रहा है, देखिए इंस्टीट्यूशन माल की बेच रहा है वो सबसे पहले समझिए। बेसिकली कंपनी का मार्केट कैप कितना है, अगर मार्केट के कैप के हिसाब से बात करो तो 50,000 करोड़ के आसपास है, और इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन माल क्यों बेच रहा है, क्योंकि देखिए उसको जब लिस्टिंग हुआ था तब से लेकर वो खरीदारी करके रखे हैं और वो चाहते हैं कि अभी प्रॉफिट बुकिंग किया जाए, तो इसलिए वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। अभी देखिए नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के ऊपर फिर से बाइंग करना वो स्टार्ट करेंगे, जब अच्छे कंपनी डिस्काउंट में मिले तब वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन माल उठाते हैं, अगर अच्छे कंपनी डिस्काउंट प्राइस में नहीं है तो वो माल नहीं उठाएंगे। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसको दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ हिडन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे म्यूचुअल फंड के जो लास्ट फ्यू मंथ्स का डेटा है वो ध्यान से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटिन्यूसली इसके ऊपर सेल अप किया। कंटिन्यूसली इसके ऊपर सेल अप किया मतलब म्यूचुअल फंड बाई कब किए थे, नवंबर मंथ में, उसके बाद देखिए मतलब जब लिस्टिंग हुआ था उसके बाद देखिए लगातार सेल अप किया, मतलब जो क्वांटिटी उन्होंने बाई किया था उसका प्रॉफिट शानदार मिला तो वो माल को सेल कर रहे हैं। अभी देखिए सेलिंग का जो परसेंटेज बहुत ज़्यादा था वो सेलिंग का परसेंटेज धीरे धीरे करके एकदम खत्म हो चुके हैं, मतलब सेलिंग का प्रेशर और ज़्यादा नहीं है, या से बाइंग का प्रेशर आ सकते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ मई मंथ का डेटा, जब अप्रैल के बाद मई मंथ खत्म हो जाएगा तो उसका डेटा जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर आए रखे हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो मेरा व्यू है ऑब्वियसली पॉजिटिव है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनने जा रहा है उसके लिए बता दूँ कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनने जा रहा है। वो बेस्ट तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या है, उससे पहले देखिए यहाँ पे एक रेंज बना था, वो रेंज 20% के ऊपर बना था और बेसिकली उस रेंज को जब भी यहाँ पे टच किए तब एंट्री बना और आज फाइनली देखिए इस लेवल तक टारगेट बना है। तो थोड़ा सा टाइम लगा फिर भी 20% का जो टारगेट मिला वो कितने दिनों में मिला, अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 62 डेज लगा, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी टारगेट को अचीव किया। तो बेसिकली जो एंट्री और टारगेट मिला है वो शानदार तरीके से एंट्री और टारगेट मिला था। और फिलहाल के लिए जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कब बना, उसके बाद एक बार, दो बार और तीन बार यहाँ पे हैंडल बटन क्रिएट कर चुके हैं। अभी देखिए तीन बार जो हैंडल बटन क्रिएट हुआ तो इस हैंडल बटन को मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ और भी आपको समझने में आसानी होगा। अभी देखिए इस पैटर्न्स को कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो फाइनली ब्रेकआउट तो किया, अभी इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए तो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन बनेगा, तब मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा अराउंड 240 रुपीज़ के आसपास, जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 32 रुपीज़ के आसपास। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जो टारगेट जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ ये कोई भी मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, हाँ प्लीज़
इस तरीके से चीजें को देखकर डायरेक्टली बाय मत कर लेना, आपको लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। ये मेरा खुद का ट्रेड बनेगा, मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन के बेसिस में मैं काम करता हूँ। आपको अगर काम करना है तो आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। हाँ, सारी चीजों को सारी जगह से सीखिए, सीखकर आपको खुद को बैक टेस्टिंग करके खुद को तैयार होना पड़ेगा, तब आप काम कर पाएंगे। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो में जानकारी अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बहुत दिनों के बाद टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में चर्चा करूँ। सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्टर्न के बारे में चर्चा करूंगा। तो बेसिकली जिसका मैं इंतजार कर रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हो रहे थे, उसके बाद देखिए बार बार वो ब्रेक करने का कोशिश किया, 2 बार 3 बार ब्रेक करने का कोशिश किया और वो नाकाम रहे और नीचे आए, वही लेवल तक आया जो इसका प्रीवियस लो था, लाइफ टाइम लो था, उसी लेवल को टच करने के बाद वो बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से कंपनी रीबैक कर सकते हैं। अगर इस रीबैक ना कर पाए, अगर यहाँ से गिरावट का माहौल फिर से जारी हुआ तो बिग फॉल देखने को मिल सकता है। अब एक चीज़ को मैं आपको बता दूं कि टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो ऑटो सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट है। आज सोचिए इसकी सबसे बड़ा कस्टमर कौन है? टाटा मोटर्स। उसके साथ साथ वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज के साथ भी कंपनी बिग डील करके रखा है। मतलब बहुत सारे क्लाइंट बेसिस वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में है। तो सबसे मेजर जो कस्टमर है वो कौन है? टाटा है। तो टाटा आज, मतलब टाटा मोटर्स आज लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। उस टाइम में भी टाटा टेक्नोलॉजी गिरते चले जा रहे हैं, मतलब क्या है? देखिए मान के चलिए मैं कोई प्रोडक्ट को बेचता हूँ और बी वाला दुकान से मैं खरीदता हूँ, तो मेरा ए वाला प्रोडक्ट हाई लेवल में बेचा जा रहा है, तो जहाँ से मैं प्रोडक्ट को खरीदारी कर रहा हूँ, क्या वहाँ से उसका प्रोडक्ट का सेल्स नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि मैं उससे लेकर ही तो माल बेच रहा हूँ। तो सोचने वाला बात है, जो टाटा मोटर्स लगातार भागते चले जा रहे हैं, उस टाइम में टाटा टेक्नोलॉजी भाग नहीं रहा। तो यहाँ पे तो मुझे थोड़ा सा चिंता वाला बात लग रहा है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि फ्यूचर में रॉकेट बनेगा, तो उसके लिए बता दूँ फ्यूचर में रॉकेट बनेगा कि नहीं बनेगा वो अलग बात है। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उसी से सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो देखिए इंस्टीट्यूशन खुद के माल को बेच रहा है। 2% होल्डिंग था, उन्होंने कुछ क्वांटिटी को बेचा, 1% कर दिया म्यूचुअल फंड ने, और एफएस के पास 2.5% होल्डिंग था, वो घट के 1% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर जो ट्रस्ट कर रहे थे वो ट्रस्ट अभी धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। बाकी प्रोमोटर और पब्लिक के पास ही होल्डिंग है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग 100%, प्रोमोटर के पास लॉकिंग है, क्योंकि 1 साल खत्म होने के बाद ही इस लॉकिंग पीरियड हटेगा, क्योंकि ये रूल्स है सेबी का। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर लिस्टिंग करे, उसका प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो माल बेचकर भाग ना जाए, तो इसलिए उसको लॉकिंग की रखा जाता है अराउंड 1 साल तक। 1 साल के अंदर अगर शेयर में गिरावट होगा तो उसको भी झेलना पड़ेगा। तो इसलिए कोई बेकार कंपनी को मार्केट में आईपीओ ले आने के बाद, उसको लिस्टिंग कराने के बाद, वो हमेशा हर कोई कंपनी का प्रोमोटर सोचते हैं कि मैं खुद के पैसा बेचकर, माल बेचकर पैसा लेकर भाग जाऊँ, ऐसे होगा नहीं। सेबी के रूल्स चेंज हो चुके हैं। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। शायद आज कुछ खराबी कारण के वजह से, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, कंपनी ठीक ठाक इस बार भी परफॉर्मेंस किया, अच्छा खासा रिजल्ट भी जनरेट किया, तो सब कुछ ठीक होने के बाद भी शेयर में गिरावट हो रहा है। तो कभी ना कभी सिचुएशन ऐसा बनता रहता है, जैसे HDFC बैंक बहुत दिनों से एक ही जगह पर है, बहुत बड़ा मतलब तेजी देखने को नहीं मिला है बहुत टाइम तक, अराउंड 3 साल, 2 से 2.5 साल तक। तो जब भागना शुरू होगा तब एक लंबा जर्नी हो सकता है। तो आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है DLF। देखिए DLF के ऊपर पिछले दिनों में मैं चर्चा किया था कि DLF इंडिया के नंबर 1 रियल्टी इंडस्ट्रीज के काम करने वाला कंपनी है। तो रियल्टी इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में DLF नंबर 1 है, और इसको टक्कर देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि DLF का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास है, सॉरी 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो बिजनेस है, बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि देखिए इस सेक्टर में बाकी कंपनी जहाँ पे बिग बिग लॉसेस कर रहे हैं, वहाँ पे कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, अच्छा खासा सेल्स, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो यही होते हैं कंपनी के पावर। और DLF का जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रगल करके, बहुत स्ट्रगल मतलब मैं इसका स्टोरी जब मैं खुद स्टडी किया, जब उनका ओनर का स्टोरी स्टडी किए, तब मुझे पता चला कि हाँ कोई व्यक्ति इतने पेशेंस रख सकते हैं खुद के लाइफ में, खुद के बिजनेस के ऊपर इतना ज़्यादा डेडिकेट हो सकते हैं, तो उसका रिजल्ट, उसका आउटकम बाद में उसको जरूर मिलेगा। तो फाइनली उनको मिला। तो आप भी मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो 1-2 बार आपको लॉसेस हुआ तो इसको देखकर आप मतलब चिंता मत करिए, क्योंकि मार्केट में मैं एक बात सोचता हूँ कि मार्केट आपको फर्स्ट टाइम आपको लॉसेस दे रहा है, इसका मतलब आप जो मार्केट में सीख रहे हैं
उसका आपका फीस देना पड़ रहा है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने के लिए पैसा देना पड़ता है। हाँ, मेरे चैनल में सारे चीज़ फ्री है, कोई भी पैसा देने का जरूरत नहीं है। मैं सारे चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। मेरे तरफ से कोई भी मतलब कोई भी पेड वर्सन नहीं है। जो लोग मेरे नाम से कोई भी पेड वर्सन बेच रहे हैं तो उससे दूरी रहिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी पेड वर्सन नहीं है और नहीं भी रहेगा। तो बेसिकली डीएलएफ के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग हो रहा है। इस बार भी कंपनी हाइस्टली सेल्स को जनरेट किया। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी के आज तक की हाइस्ट प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो मुझे लगता है नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी 1000 को क्रॉसओवर कर सकते हैं। तो इतना बड़ा तगड़ा कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसके चलते हमें इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव बुलिश सिचुएशन मुझे देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। बेसिकली इस कंपनी के ऊपर दो तरीके से सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा। पहले सिचुएशन जो है, कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, और कंपनी ये भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि कंपनी ऑल ओवर इंडिया में लग्जरीज जो प्रोडक्ट है, लग्जरीज प्रोडक्ट मतलब लग्जरी जो मतलब रिसोर्ट एंड होटल्स है और कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर कंपनी काम करने वाला है। तो जो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी को रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया अब डेवलप कंट्री बन रहा है। उस टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल जो प्रोडक्ट होगा वो है रियल्टी इंडस्ट्रीज। रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाले, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा होगा तो लोग घर खरीदारी करेंगे, फ्लैट खरीदारी करेंगे। तो इस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। तो चीज़ों को आपको कुछ हटके सोचना पड़ेगा, चीज़ों को आपको सारे दिशा से सोचना पड़ेगा, तभी आप किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई टेर नहीं है। पहले जो टेर बना था बहुत शानदार तरीके से टारगेट पे अचीव किया, क्योंकि कोई लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक टेर बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ और फाइनली 84% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। अभी फिलहाल के लिए कोई भी मेरा टेर नहीं है, क्योंकि कंपनी एक रेंज के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तब कोई डिसीजन यहाँ पे मैं जरूर लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना, और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। तो लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड। तो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल के ऊपर एक गुड अपडेट आने वाला है। कंपनी 3:1 का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। बोनस देने का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द करने वाला है, क्योंकि अभी तक अनाउंसमेंट हुआ नहीं। अगर बोनस सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे बोनस सेक्शन अभी भी एडिंग नहीं हुआ। तो जब बोनस का डेट अपडेट आ जाएगा तो आपके साथ सारे डिटेल्स को डिस्कशन करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।